नमस्कार, मैं राहुल गौड़। आशा है आप और परिवार आनंद से होंगे। आज आपसे प्रसिद्ध कवि विष्णु खरे जी की एक कविता साझा करने का मन है। विष्णु खरे जी एक कवि थे, अनुवादक थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते थे। सन 2010 में उनका देहांत हो गया था। ये कविता जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, इसका शीर्षक है लड़कियों के बाप। छोटे छोटे शब्द चित्रों के माध्यम से खरे साहब इस कविता में हमारा परिचय उन असंख्य बेहद साधारण परिवारों की साधारण बेटियों से करवाते हैं, जिनके साधारण बाप अपनी साधारण सीमाएं लांघकर बेटियों का जीवन बेहतर बनाने की ताउम्र कवायद करते चलते हैं। हम में से जिस जिसने अपने बच्चों के साथ परीक्षा केंद्रों के बाहर टहलते हुए समय बिताया है, वो तो एकदम इसमें शायद अपना अक्स देख पाएंगे। किस बारीकी से खरे साहब ने इसे प्रस्तुत किया है, सुनिए। शीर्षक लड़कियों के बाप। वे अक्सर वक्त के कुछ बाद पहुंचते हैं, हड़बड़ाए हुए, बदहवास, पसीने पसीने, साइकिल या रिक्शों से, अपनी बेटियों और उनके टाइपराइटरों के साथ करीब करीब गिरते हुए उतरते हुए। जो साइकिल से आते हैं वे गेट से बहुत पहले ही पैदल आते हैं। उनकी उम्र 55 से 60 के बीच, उनकी लड़कियों की उम्र 18 से 25 के बीच, और टाइपराइटरों की उम्र उनके लिए दिए गए किराए के अनुपात में। क्लर्क टाइपिस्ट की जगह के लिए टेस्ट और इंटरव्यू है। सादा, घरेलू और बेकार लड़कियों के बाप अपनी बच्चियों और टाइपराइटरों के साथ पहुंच रहे हैं। लड़कियां जो हर इम्तिहान में किसी तरह पास हो पाई हैं, दुबली पतली, बड़ी मुश्किल से कोई जवाब दे पाने वाली, अंग्रेजी को अपने अपने ढंग से गलत बोलने वाली, किसी के भी चेहरे पर सुख नहीं, हर एक के सीने सपाट, कपड़ों पर दाम और फैशन की चमक नहीं, धूल से सने हुए दुबले चिड़ियों जैसे सांवले पंजों पर पुरानी चप्पलें। इम्तहान की जगह तक बड़े टाइपराइटर मैली चादरों में बंधे उठाकर ले जाते हैं बाप। लड़कियां अगर दबे स्वर में मदद करने को कहती भी हैं, तो आज के विशेष दिन और मौके पर उपयुक्त प्रेम भरी झड़की से मना कर देते हैं। 11 किलो वजन दूसरी मंजिल तक पहुंचाते हुए हांफते हुए इम्तहान के हाल में वे ज्यादा रुकना चाहते हैं। घबराना नहीं वगैरह कहते हुए, लेकिन किसी भी जानकारी के लिए चौकन्ने, जब तक कि कोई चपरासी या बाबू तंग आकर उन्हें झिड़के और बाहर कर दे, तिस पर भी वे उसे बार बार हाथ जोड़ते हुए बाहर आते हैं। पता लगाने की कोशिश करते हुए कि डिक्टेशन कौन देगा, कौन जांचेगा पर्चों को, फिर कौन बैठेगा इंटरव्यू में, बड़े बाबुओं और अफसरों के पूरे नाम और पते पूछते हुए, कौन जानता है कोई बिरादरी का निकल आए, या दूर की ही जान पहचान का, या अपने शहर या मोहल्ले का। उन्हें मालूम है ये चीजें कैसे होती हैं। मुमकिन है वे चाय पीने जाते हुए मुलाजिमों के साथ हो लें, पैसे चुकाने का मौका ढूंढते हुए अपनी बच्ची के लिए चाय और कोई खाने की चीज की तलाश के बहाने उनके आधे अश्लील इशारों, सुझावों और मजाकों को सुना अनसुना करते हुए, ना समझ दोस्ताने में हंसते हुए, इस दफ्तर में लगे हुए या मुल्क के बाहर बसे हुए अपने बड़े रिश्तेदारों का जिक्र करते हुए। वे हर अंदर आने वाली लड़की से वादा लेंगे कि वे लौटकर अपनी सब बहनों को बताएगी कि क्या पूछते हैं, और उसके बाहर आने पर उसे घेर लेंगे और उसकी उदासी से थोड़े खुश और थोड़े दुखी होकर उसे ढांढस बनाएंगे। अपनी अपनी चुप और पसीने पसीने निकलती लड़की को उसकी अस्थाई सहेलियों और उनके पिताओं के सवालों के बाद कुछ दूर ले जाकर तसल्ली देंगे। तो फिक्र मत कर बेटा, बहुत मेहनत की है तूने इस बार, भगवान करेगा तो तेरा हो ही जाएगा वगैरह कहते हुए, और लड़कियां सिर नीचा किए हुए उनसे कहती हुई, पापा अब चलो। लेकिन आखिरी लड़की के निकल जाने तक और उसके बाद भी, जब इंटरव्यू लेने वाले अफसर अंग्रेजी में मजाक करते हुए
बाथरूम से लौटकर अपने अपने कमरों में जा चुके होते हैं, तब तक वे खड़े रहते हैं। जैसा भी होगा रिजल्ट बाद में घर भिजवा दिया जाएगा। बता दिए जाने के बावजूद किसी ऐसे आदमी की उम्मीद करते हुए जो सिर्फ एक इशारा ही दे दे, ऑफिस फिर ऑफिस की तरह काम करने लगता है। फिर भी यकीन न करते हुए मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए वे उतरते हैं, भारी टाइपराइटर और मन के साथ जो आए थे। रिक्शों पर वे जाते हैं दूर तक, फिर से रिक्शे की तलाश में। बीच बीच में चादर में बंधे टाइपराइटर को फुटपाथ पर रखकर सुस्ताते हुए, ड्योढ़ा किराया मांगते हुए रिक्शे वाले और जमाने के अंधेर पर बड़बड़ाते हुए, फिर अपनी लड़की का मुंह देखकर चुप होते हुए, जिनके साइकिलें दफ्तर के स्टैंड पर हैं, वे बांधते हैं टाइपराइटर कैरियर पर। स्टैंड वाला देर तक देखता रहता है नीची निगाह वाली लड़की को, जो पिता के साथ ठंडे पानी की मशीन वाले से 5 पैसा गिलास पानी पीती है और इमारत के अहाते से बाहर बैठती है साइकिल पर सामने। दूर से वे अपने बाप की गोद में बैठी जाती हुई लगती है। ये हुई कविता लड़कियों के बाप। आगे फिर कुछ लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।